इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वोस्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और आयास परफ्यूम्स। गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के बीच 1 मई को पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया। कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी तादाद हर्ष मल्होत्रा की रैली में देखने को मिली। इस अवसर पर कुछ महिलाओं को नृत्य करते हुए भी देखा गया। हर्ष और उल्लास का माहौल चारों तरफ देखने को मिला और मोदी जी के 400 पार के नारे के प्रति भी लोग उत्साहित नजर आए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा भाजपा नेताओं ने। भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और इस क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई थी। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में जो झुग्गियाँ जहाँ हैं, सबसे पहले वहाँ पर झुग्गी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उस योजना को लागू करेंगे। दिलशाद कॉलोनी में हमारे यहाँ पर 4 झुग्गी क्लस्टर हैं, उस क्लस्टर्स में 4000 फ्लैट बनेंगे झुग्गी की जगह पर, उसका प्रारंभ सरकार बनते ही करेंगे। जो वायदे केजरीवाल साहब ने अपनी सरकार बनाने से पहले करे थे 2015 में कि 500 स्कूल, 20 महाविद्यालय, 20 हॉस्पिटल, तो उसका एवरेज निकालें तो एक विधानसभा में 7 स्कूल आते हैं, तो एक स्कूल तो खुला होता कोंडली विधानसभा में जहाँ से वो विधायक हैं, एक हॉस्पिटल पूर्वी दिल्ली में खुलवा देते, एक बड़ा कॉलेज खुलवा देते। अगर ये सब कराते तो शायद जनता उनको ढूंढ नहीं रही होती। मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने देश के लिए, देशवासियों के लिए कार्य किया है, 140 करोड़ देशवासियों में से मैं कहूँ तो प्रत्येक देशवासी को उनकी योजनाओं ने टच किया है। मैं इसलिए उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, देश की जनता से, दिल्ली की जनता से, पूर्वी दिल्ली की जनता से, कि तीसरी बार फिर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहिए। हर्ष जी एक सौम्य हैं, सुशील व्यक्ति हैं, लॉ पढ़े हुए हैं, महापौर रहे, दिल्ली प्रदेश महामंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, और इन्होंने ऑर्गन बॉडी डोनेशन पर दधीची देहदान समिति में बहुत काम किया। एक मिडिल क्लास परिवार के, इनके माता पिता दोनों टीचर थे कृष्णानगर में। मुझे लगता है कि हर्ष मल्होत्रा जी मेरे लिए 24 घंटे अवेलेबल होंगे। मेरे को इतना काफ़ी है कि मेरा सांसद मेरे को 24 घंटे अवेलेबल हो, उसके दरवाजे पर मुझे नॉक करके नहीं जाना पड़े। मुझे लगता है अब तो बिल्कुल ही तय हो गया, 400 पार होने वाला है, तो दिल्ली में 7 सीटें रिकॉर्ड मार्जिन से जीती जाएंगी। भारत माता की जय। देखिए हर्ष मल्होत्रा जी जमीन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज तक वो बिल्कुल सेवा करते आए हैं, आगे भी जो जो उनके प्रति कार्य होंगे वो बढ़ चढ़ के कार्य करने वाले इंसान हैं। और आज जो हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जो यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी हैं, आज नामांकन भरने जा रहे हैं। आप देखिए इधर घुमाइए, ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सभी बहनें देखिए, आप देख सकते हैं ये बहनों में कितना उत्सव है। ये मोदी जी की जो सारा परिवार है, कहते मैं भी मोदी का परिवार हूँ, ये बहन भी मोदी का परिवार है, बहन खड़ी है मोदी का परिवार है, सारा परिवार, पूरा देश मोदी का परिवार है। ये नारा 100% सत्य होने जा रहा है और माननीय मोदी जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, एक महान आत्मा है, और जब एक महान आत्मा अपने मुखारविंद से कुछ कहती है तो अब की बार 400 पार होगा। कल मैं अपने गाँव था, उसके बाद कानपुर था, सब जगह मोदी जी की लहर चल रही है। आप तेलंगाना चले जाओ, आसाम चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, साउथ में बीजेपी को सबसे कमज़ोर गढ़ माना जाता था, लेकिन साउथ में आज बीजेपी की आंधी चल रही है। देखो कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ये नारा हमारे को पिछले बार से हमारे को जो मिला था, हम उसको फिर से ला रहे हैं। और जो 400 पार की जो मोदी जी ने एक बार आपको बोली है, सबको बोली पूरे देश को, तो अब की बार 400 पार ऐसा हाल होगा इनका, बाकी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कि आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी, क्योंकि मोदी जी विश्व के नेता हैं। ये राष्ट्रवाद और देशभक्ति का चुनाव है, जैसा कि आप देख रहे हो पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता
हमारे डॉक्टर अनिल गोयल जी हमारे साथ में हैं। पूरी दिल्ली के जनता और पूरे सारे सीट नेतृत्व इस चुनाव को बहुत बड़े मार्जिन से जिताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुशियां मना रहे हैं। आज का ये हुजूम, आज का ये जनसैला बता चुका है, दिख रहा है कि ये चुनाव एक तरफा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोट से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा जी, देखिए 400 नार का जो नारा है, 400 पार का, ये आपको 4 जून को दिखाई दे जाएगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रजमा रहेगा और मोदी जी की 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सीट आएंगी। एक हमारे ऐसा भाई जो जमीनी कार्यकर्ता, चारों तरफ कार्यकर्ता में उत्साह है कि एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिली है जो हम लोगों के बीच में रहकर कितने सालों से संगठन का काम कर रहे थे। आज देखे चारों तरफ उत्साह ही उत्साह है, जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे कमल के फूल के झंडे मिलेंगे। चारों तरफ इतना उत्साह का माहौल है, बिल्कुल मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार, 100% नहीं 500% कहते हैं कि 400 पार हम अब की बार भारत में करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी के नॉमिनेशन में ये हुजूम बताता है कि लाखों वोटों से इस दिल्ली को सांसद हर्ष मल्होत्रा जी के तौर पर मिलना चाह रहा है। और आज कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने ये गवाही दी है कि धरती पर 400 पार जी मोदी जी का नारा हम सच करने जा रहे हैं। और आने वाली 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो हर्ष मल्होत्रा जी पूर्वी दिल्ली से लाखों वोटों से जीत कर संसद में जाने वाले हैं। कांग्रेस के नसीब सिंह जी ने रिजाइन करते हुए कहा कि, और लवली जी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता देशद्रोही आम पार्टी के लोगों को वोट ना दें और बीजेपी को वोट दें। तो आज हम सब लोग इसलिए खुश हैं कि हजारों की संख्या में आज हर्ष मल्होत्रा जी के साथ कार्यकर्ताओं ने और जनता ने नामांकन किया और दिल्ली में एक तरफा बयार बह रही है। मुझे लगता है हमारे हर्ष मल्होत्रा जी दूसरे कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और हिंदुस्तान की पूरी समस्त जनता नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों पर पूरा विश्वास करती है। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि इस बार 400 पार निश्चित रूप से 400 पार होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, काम के आधार पर दिया गया है। इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना था किसी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए, ऐसा नहीं है, उनको बदला है, उनको कोई और जिम्मेवारी दी जाएगी। राजनीति में सब चलता ही है, लेकिन गौतम गंभीर जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, ईमानदार व्यक्ति थे और अब बार जो भारतीय पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दिया है इनसे भी अच्छा ज़्यादा काम करेंगे। देखिए 400 पार 100% होगा और आज जितना जन अपार समूह यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा जी के नामांकन के लिए आया है, हम यहाँ की पूर्वी दिल्ली जनता को और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतनी भारी संख्या में आकर, हजारों की संख्या में आकर अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद हर्ष मल्होत्रा जी को और मोदी जी को दिया है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये पूर्वी दिल्ली का जनसैलाब हर्ष मल्होत्रा जी के साथ है, मोदी जी के साथ है और 400 पार का जो मोदी जी का नारा है वो 4 जून को बिल्कुल 100% जो ये खड़ा उतरेगा और यहाँ मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनेगी और बहुत पूरे दमखम के साथ सरकार बनेगी।